हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा है और ये नाश्ते की तैयारी, और ये पराठा बन रहा है क्रिस्पी क्रिस्पी सा। और सुबह सुबह आँख खुलते ही बस नमाज़ पढ़ो और भागते ही किचन में आ जाओ और नाश्ता बनाना शुरू कर दो। बस ये भी बस जल्दी जल्दी से हाथ चलाना पड़ता है। और हम देख लीजिए तो सुबह से जब से आँख खुलती है काम ऐसे ही शुरू होते हैं और रात होने तक वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और ऐसे सुबह सुबह का टाइम तो ऐसी बिजी रूटीन होती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखें और कौन सी चीज़ कहाँ से उठाएँ। और ये यहाँ पे चाय बन रही है, दूध डाला है अभी मैंने, और डिब्बे की चाय बनाते हैं हम लोग, चाय पीते हैं। और यहाँ पे चाय कपों में डाल लूँगी और फिर नाश्ता ले जाएंगे। और नाश्ते के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ते को ख़त्म करना होता है। और ये यहाँ पे आयान नाश्ता कर रहा है, आयान को अपनी वीडियोस बनाने का इतना शौक है, जब मैं वीडियो बनाने लगूँ इसको बीच में कूदना होता है कि हाय गाइस, मैं ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाबा की तरफ जैसे कैमरा को उनका मुंह नीचे हो जाता है, उनको नहीं सामने आना अच्छा लगता है कैमरे में। और आयान कहता है कि हर सारा टाइम सिर्फ मेरी ही वीडियो बनाओ जी। यहाँ पे साथ साथ ही होती है सफाई का काम शुरू, नाश्ता करते ही बर्तन वगैरह किचन में रख कर आई हूँ, धो कर आई हूँ। और अभी सफाई स्टार्ट कर दी है मैंने, ये चप्पलें तो इनकी बस सारा दिन एक ऐसे इकट्ठी करके रखो और फिर से बिखरी होती हैं, वॉशरूम से निकलते हैं और फिर बिखरे रहते हैं। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, झाड़ू लग रहा है पूरे घर में। और इसके बाद ये पोछा स्टार्ट हो गया, अब पोछा लगेगा। ये लोग तो लेट गए नाश्ता वाश्ता करके और अभी पोछा लगा रही हूँ। और मैं कल जो वीडियो डाली थी उसके बारे में बात करी थी, आप लोगों ने कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन चले कोई बात नहीं, पहली वीडियो थी। अभी तो इतना कोई खास एक दो लोगों ने शायद देखी है, इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए और उसको भी और इसको भी और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी यहाँ पे सफाई कम क्या करे आयान? मैं ब्लॉक से खेल रहा हूँ। ज़ोया तुम क्या कर रही हो? बोलो ना, चैनल है, लोग देख रहे हैं, बोलो। घर बनाया है, हाउस बनाया है। ये कैसा हाउस है ज़ोया? ये अभी इसने रेलगाड़ी बनाई है। कुछ और बना के दिखाओ यान। अच्छा, मैं तो प्लेन भी बना लेता हूँ। हाँ जी, तो आपने देखा है उनको कितना शौक़ है अपनी वीडियोस बनाने का और लोगों से बातें करने का। तो चलिए अब खाने की तरफ आ जाते हैं। ये खाना दोपहर का बनाया था, शलजम, और ये मिर्च, हल्दी और नमक, दो चम्मच में लाल मिर्च, एक चम्मच हल्दी और डेढ़ चम्मच नमक, और ये एक चम्मच ऑयल का और आधा प्याज किया था, क्योंकि पाव जितने आधा किलो जितने शलजम थे शायद। हाँ, एक टमाटर, चार हरी मिर्चें और एक चम्मच अदरक और एक चम्मच लहसुन। अब इनको पीस लिया है और ये धनिया है और ये शलजम काट के रखे हैं। अब यहाँ पे जब प्याज को फ्राई करेंगे, जैसे ही प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें लहसुन और अदरक और हरी मिर्चें, ये उनको जो हमने पीसा था उसको डाल के थोड़ा भून लेंगे। और फिर टमाटर जाएंगे और फिर इसके साथ ही थोड़ा सा, जब थोड़े से टमाटर नरम हो जाए तो ये नमक मिर्च और हल्दी, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी।
और अच्छे से इनको भूनना है। जब बिल्कुल मसाला सा बन जाए और फिर इसके अंदर ये शलजम डाल देना। शलजमों को डालने के बाद फिर अच्छे से भूनना है, अच्छे से भूनना है थोड़ा, और फिर इसके अंदर एक कप पानी डाल देना। मैं आपको एक पाव जितने एक पाव से थोड़े से ज़्यादा शलजमों की रेसिपी बता रही हूँ। फिर एक कप पानी डालने के बाद इनको मिक्स किया और करने के बाद इनको ढक्कन देके हम रख देंगे। तब तक रखेंगे, आग थोड़ी तेज़ रखनी है जब तक ये बिल्कुल पानी खुश्क ना हो जाए और ये नरम हो जाएंगे। जैसे पानी खुश्क हो जाएगा चमचे से इनको पीस लेना, बिल्कुल पीस के इनका मसाला बना लेना, कोई भी शलजम साबित ना रहे। अच्छे से पीसेंगे, बिल्कुल मैश कर लेना। करने के बाद फिर एक चम्मच चीनी की डाल देंगे। इनके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट होती है, उस कड़वाहट को मारने के लिए, नहीं तो तीखा मज़े बनता है लेकिन थोड़ा सा तीखा सा कड़वाहट सी होती है। तो फिर उसके बाद धनिया डाल देंगे और बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बस सालन तैयार है मज़े का। और अब आप लोग बनाइएगा और ट्राई करके मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत ही लजीज जी कराची की आप देख लें, ये 5 बजने वाले हैं और हमारे यहाँ पे धूप है और कोई मौसम में चेंजिंग नहीं आई है, कुछ भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है मौसम में। पंजाब में तो काफ़ी सर्दी वगैरह आ गई है लेकिन यहाँ पे तो भाई गर्मी है अभी, मतलब गर्मी तो नहीं है लेकिन ये है कि मौसम काफ़ी, रात को पंखा चला कर सोते हैं, ये देखिए परिंदे भी हो गए और यहाँ तो सर्दी बिल्कुल पूरी सी आती है। ये देखिए 3 की छतें हैं यहाँ पर और लाइट का जो हालात हैं, सोलर तो रखना यहाँ पे लोगों की मजबूरी हो जाती है। और ये पता नहीं अंकल हैं कोई घर में कलर वलर कर रहे हैं, बूढ़े से हैं देखते हैं। ये 3 की छतें आप लोगों ने देखी हैं क्या, जो कराची से होंगे उन लोगों ने तो देखी होंगी और बाकी पंजाब साइड पे ये सब नहीं होता। और आप लोग तो घर सामने देख रहे हैं वो जो ब्लू विंडोज वाला, कुछ दिन पहले यहाँ पे चोर छुप के बैठा हुआ था, हम लोगों ने देखा था ऊपर अपनी बाथरूम की छत के साथ लटका हुआ था। और अभी 9 बजे का टाइम था, 9 बजे तो सब लोग अभी जाग रहे होते हैं लेकिन फिर भी ये तो पाकिस्तान के हालात हैं, महंगाई इतनी है भाई क्या करें, लोग एक दूसरे का गला काटने को आ रहे हैं, चीज़ों को इतनी आग लगी है, चोरी नहीं करे तो क्या करे, लोग मजबूर हैं। लेकिन ये बात है कि जिनकी चोरी कर रहे हैं उन्होंने पता नहीं किस तरह से कमाया, तो इस तरह के लिए इससे नहीं करना चाहिए। बाकी क्या हो रहा है, कुछ नहीं, फिल्म देखी जा रही है। फिल्म देखी जा रही है पता नहीं नाम नहीं पता। अभी बस शाम का टाइम होने वाला है और फिर अब हम 5 बजे हम चाय पीते हैं, हमारा चाय का टाइम है, तो बस फिर चाय वाय बनेगी और बस फिर रात का खाना वाना हो जाएगा, 8:30 बजे तक हम खाना खा लेते हैं। तो बस आप लोगों से ये कहना था कि मैंने आज दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी अभी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और जो भी मेरे चैनल में मिस्टेक हो या मुझे जो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग मुझे प्लीज़ फॉलो करें, मुझे बताएं, मुझे गाइड करें किस तरह से मैं और इम्प्रूव कैसे करूं, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं किया ये सब तो मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं जैसे आप लोग मुझे बताते जाएंगे मैं आप लोगों की बात सुनकर इसी तरह इम्प्रूव करती हूँ। हाँ जी, तो ये शाम के 5 बज के हैं और ये चाय बन रही है और अभी ये चाय बन रही है और इसमें मैं दूध डालूँगी।
और ये हम शाम में चाय पीते हैं, डेली की रूटीन है चाय पीना। और ये वाला मैं इस वाली डिब्बे की दूध चाय पीती हूँ, और मुझे खुले चाय दूध की चाय मुझे बहुत है मैं चाय पीती चाय बनाते हैं। और ये चाय बन गई है मज़े मज़े की चाय। अभी इसको हम कप में निकालेंगे और फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अभी अगर अच्छे से पकने के लिए कच्ची कच्ची चाय। आपको मेरी चाय कैसी लग रही है? वाह ही, आप लोगों को मेरी चाय तो बहुत अच्छी लग रही होगी। वाह भाई वाह, क्लैपिंग। चाय कैसी बनी है? अच्छी बनी है। चाय में शहद धारा ढूंढ है, मेरा तो अभी मुँह जला था। ध्यान से गिनी जाए, गरम है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कह रहा क्या? जी जी, तो हम आ गए हैं फिर से किचन में और हमारी ड्यूटी फिर से स्टार्ट हो गई है। वही बर्तन धो, खाना वाना खाओ, बर्तन धो, और अभी चाय के बाद फिर से स्टार्ट हो गया वही काम। तो अभी मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी, और यहाँ पे तो बर्तन धोना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कराची में पानी का कितना मसला है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कोई भी काम करना हो बच्चों वाले घर में, तो बार बार बच्चों के कपड़े धोना, और बर्तन गंदे करते हैं और कचरा करते हैं, घर गंदा करते हैं, बार बार सफाई करना, और इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पानी तो दो दिन में ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए बहुत ही एहतियात से काम करना होता है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में, आप जहाँ रहते हैं आप लोगों किन किन टेंशनों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है, प्लीज़ सब कुछ शेयर कीजिएगा। ये तो अभी इसके बाद मैं ये बर्तन वगैरह रख लूँगी और आटा वगैरह रात के लिए गूंद के और किचन को क्लीन करके मैं अपना काम ख़त्म कर दूँगी, और फिर बस रात की रोटी बनानी रह जाएगी। और वह जब हमें खाना खाना हुआ, खाना सालन तो बना हुआ, तो उसके बाद बस रोटी बनाऊँगी और बस फिर काम ख़त्म। अभी ये मैं आटा डाल रही हूँ, और इसके बाद थोड़ा नमक डालूँगी और फिर मैं आटे को गूंद लूँगी, बस फिर मेरा काम ख़त्म है। और फिर बस जब ये भूख लगेगी तो बस रोटी डालनी है, बस अभी क्लीन किचन वगैरह साफ है कर, इसके बाद किचन वगैरह साफ़ करके फिर बस मेरा काम ख़त्म है। और आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, कोई अगर आपको बुरी लगे या ये बात हो या कुछ भी मुझसे बात करना है, तो आप कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपना ख्याल रखना।